हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ क्रिस्पी आलू पकोड़े। इन पकोड़ों के आगे कचौरी समोसा भी फेल हैं। यदि मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने कुछ उबले हुए आलू लिए हैं। इन्हें मैंने 2 घंटे पहले ही उबाल कर ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो इन्हें हम एक एक करते हुए हथेलियों के बीच में हम इन्हें प्रेस करेंगे और इन्हें हम टिकिया की शेप देंगे। तो देखिए, एक आलू लिया है, हथेली की सहायता से हम इसे थोड़ा दबाएंगे तो देखिए टिकिया की शेप बन गई है। बस इसे हमें इतना ही प्रेस करना है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो 1 चम्मच मैंने कूटी हुई लाल मिर्ची डाली है और 1/2 चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे और थोड़ी सी हम लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और थोड़ा सा हम इसमें चाट मसाला डालेंगे, क्योंकि इस रेसिपी में चाट मसाले का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। अब थोड़ा सा हम नींबू का रस डालेंगे और इसको हम 20 मिनट के लिए ढककर रखेंगे, जिससे मसालों का फ्लेवर आलू में अच्छी तरह से अंदर तक चला जाए। तो देखिए, मैंने इनको नींबू का रस मैंने डाल दिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा हमें हल्के हाथों से हिलाना है। तो देखिए, मैं हल्का हाथों से मिलाकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम इसे 1/2 घंटे 20 मिनट के लिए ऐसे ही रखेंगे। अब मैंने एक बाउल में लिया है 1 कप बेसन। उसमें वही बेसिक मसाले डाले हैं, लाल मिर्ची पाउडर, अजवाइन, धनिया सभी डाले हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच गरम तेल। तो इससे क्या, हमारे पकोड़े फूलेंगे भी और क्रिस्पी भी बनेंगे। तो तेल को मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका बैटर तैयार करेंगे। तो इसका बैटर ना ही तो हमें गाढ़ा करना है, ना ही हमें पतला करना है। तो देखिए, इसे हम मिक्स करेंगे। अब ये बैटर थोड़ा मेरे को गाढ़ा लग रहा है, थोड़ा सा पानी हम और डालेंगे और उसके बाद में हम 1 चुटकी इसमें मीठा सोडा डालेंगे। बस इससे ज़्यादा मीठा सोडा हमें नहीं डालना है। अब हम 1 आलू की टिकिया लेंगे और इसे बेसन में डीप करेंगे, अच्छी तरह से उसको बेसन में लगाएंगे और इसके बाद हम तेल में छोड़ देंगे। अब दूसरी आलू की टिकिया भी हम इसी तरह से लेंगे और उसे भी हम तेल में छोड़ देंगे। एक बार में जितनी कढ़ाई में आएंगी उतनी टिकिया हम डालेंगे और तेल में छोड़ देंगे। गैस को पहले तो मैंने हाई रखा है, अब मैंने लो ही रखा है, क्योंकि इसे आलू को हमें अच्छी तरह से अंदर तक हम इसे पकाना है, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आए। तो देखिए, 4 टिकियों को मैंने डाल दिया है। अब हम इसे थोड़ा पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी हम इसी तरह से इसे फ्राई कर लेंगे। तो एक बैच बनकर हमारा रेडी है। इसे हम निकाल लेंगे और बची हुई आलू की टिकिया भी हम इसी तरह डाल देंगे। तो फ्रेंड, इस तरह से आप आलू के पकौड़े बनाना तो आपके आलू पकौड़े बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो देखिए, बाकी बचे हुए आलू को भी मैंने इसमें डाल दिया है, ये भी मैंने निकाल लिया है। सारे पकौड़े बनकर मैंने तैयार कर लिए हैं। ये पकौड़े हमारे बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं, क्योंकि हमने आलू को मसाला डालकर 20 से 30 मिनट तक छोड़ा है, उसके बाद ही हमने पकौड़े बनाए हैं। तो आलू में मसालों का फ्लेवर होने के कारण हमारे पकौड़े टेस्टी बने हैं। तो देखिए, मैंने इसे कट करके भी दिखाया है। तो फ्रेंड, एक बार इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करना। अब बचे हुए बैटर से हम मसाले की बूंदी बनाएंगे। इससे रायता ना बहुत ही बढ़िया बनता है। तो मैंने थोड़ा सा पेस्ट लिया है घारे में और उसे थोड़ा थोड़ा दबाया है। दबाते हुए देखिए, मैंने बूंदी की शेप मैंने दे दी है। तो इसे हम 1 मिनट के लिए ऐसे ही फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद में हम इसे निकाल लेंगे। फीकी बूंदी इतनी अच्छी नहीं लगती रायते में, जितनी की मसाले वाली बूंदी रायते में ज़्यादा बढ़िया लगती है। तो मैंने बचे हुए मसाले का और इस तरह से मैंने बूंदी बना ली है। तो
तो देखिए एक बैच हमारा तैयार है। अब दूसरा बैच भी हम इसी तरह करके झारे में डाल के उसे थोड़ा थोड़ा दबाएंगे तो हमारी देखो बूंदी की शेप बन गई है। इसे भी हम एक मिनट तक फ्राई कर लेंगे। तो बूंदी भी हमारी तैयार है। तो देखिए कितनी क्रिस्पी बूंदी बनी है। पकोड़े और बूंदी दोनों ही तैयार हैं। तो फ्रेंड्स यदि रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।